नमस्कार किसान साथियों, जान लेते हैं प्याज निर्यात को लेकर कौन सी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, प्याज निर्यात को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी सटीक जानकारी और सटीक अपडेट के साथ बताऊंगा। ओनियन एक्सपोर्ट रिपोर्ट है वो इस समय वर्तमान समय में कैसा देखने को मिल रहा है और ओनियन एक्सपोर्ट रिपोर्ट की जो माहौल है, अपडेट है, रिपोर्ट है वो कैसी देखने को मिल रही है, तो चलिए किसान साथियों जान लेते हैं। वर्तमान समय में अगर प्याज के भाव की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट किसान साथियों देखने को मिली हुई है। तो इस समय का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा गिरावट भरा जो माहौल है किसान साथियों देखने को मिल रहा है ऑल ओवर मंडी में। मतलब जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही ज़्यादा किसान साथियों खराब देखने को मिल रही है ऑल ओवर मंडियों में। दोस्तों, अगर बात करें इन मंडियों की और इन मंडियों के अपडेट को लेकर जो निर्यात पर है, क्या अभी इस समय निर्यात बंद है, उसका असर मंडियों में देखने को मिल रहा है नरमी भरा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नवंबर अगर लास्ट तक की बात करें, दिसंबर शुरुआत में अच्छी खासी पकड़ देखने के ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं। ओनियन एक्सपोर्ट रिपोर्ट की अगर बात करें तो किसान साथियों आने वाले समय में ज़्यादा डिमांड निकलने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। इस समय अगर निर्यात की बात करें, क्योंकि किसान साथियों अगर अपने इंडिया का प्याज ज़्यादा निर्यात होगा तो मंडियों में उछाल आने की संभावना बढ़ती हुई ज़रूर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस समय जो प्याज की स्थिति है बहुत ही ज़्यादा गिरावट भरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो निर्यात का स्टेटस है वो बहुत ही धीमा स्तर पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें आने वाले समय में जो निर्यात का स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा स्तर पर देखने को आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दिसंबर तक जो दिसंबर की शुरुआत है वहाँ पर ज़्यादा डिमांड ज़्यादा देशों से निकल कर आ रही है, तो अच्छी पकड़ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और किसान साथियों, अगर आप अपनी फसल का जो निर्णय है वो अपने विवेक से लें।